चलिए, भगवद गीता चैप्टर 10 द अपीयरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 33 को कवर करते हैं। रोज की तरह मैं पहले संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षराणाम अकरोस्मि द्वादवा समासिकस्य च अहम् इवक्ष्याय कालो दत्ताहम् विश्वतो मुखः। ऑफ लेटर्स आई एम द लेटर ए एंड अमंग कंपाउंड वर्ड्स आई एम द डुअल कंपाउंड। आई एम ऑल्सो इन एग्जॉस्टिबल टाइम एंड ऑफ क्रिएटर्स आई एम ब्रह्मा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में अर्जुन को बता रहे थे और उसमें उन्होंने यही बताया कि सबसे शुरू में कौन सा लेटर आता है, ए अक्षर अ, वो अ अक्षर जो सबसे पहले आता है तो ये बताता है कि सोर्स एनर्जी उनके अंदर है, ही इज द सोर्स एनर्जी, ठीक है। और उसके साथ साथ जितने भी सारे कंपाउंड है, जितने भी सारे कंपाउंड बनते हैं उनमें से उनका वो है डुअल कंपाउंड, मतलब उनके अंदर बहुत सारी वैरायटी पर्सनैलिटीज एक साथ में है और वो इनएग्जॉस्टिबल टाइम, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। एंड ऑफ क्रिएटर्स आई एम ब्रह्मा, सारे क्रिएटर्स में वो ब्रह्म के समान है, ब्रह्म से भी ऊपर बताया गया है पिछले श्लोक में, यहाँ पे वो ब्रह्म के समान बताया गया है, मतलब ब्रह्म भी वो है, ब्रह्म से ऊपर भी वो है, सब कुछ में वो है, हर जगह पे बार बार यही बताया जा रहा है। कोई भी महान चीज़ अपने आप में महान नहीं है, उसमें भगवान की कृपा है तभी वो महान है। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। अकरा द फर्स्ट लेटर ऑफ द संस्कृत अल्फाबेट इज द बिगिनिंग ऑफ द वैदिक लिटरेचर। विदाउट अकरा नथिंग कैन बी साउंडेड, देयरफॉर इट इज द बिगिनिंग ऑफ साउंड। इन संस्कृत देयर आर ऑल्सो मेनी कंपाउंड वर्ड्स ऑफ विच द डुअल वर्ड लाइक रामा कृष्ण इज कॉल्ड द्वंद्वा। In this compound, the word Rama and Krishna have the same form and therefore the compound is called dual. मतलब कि जैसे मैंने शुरू ही बताया कि जो सोर्स होती है, जो शुरू होती है, वो अकार जो शुरू वाला होता है उसी से आपका उसी से आपका जैसे सारे लेटर्स लिखे जाते हैं, वैसे ही आपके पूरा जो भगवान की क्रिएशन से उनका सोर्स वही है। एंड उसके साथ साथ जो कुछ कुछ वर्ड्स है डुअल वर्ड्स लाइक रामा कृष्ण, दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन दोनों एक साथ में यूज़ किए गए हैं। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में भी ऐसे कंपाउंड वर्ड्स वगैरह सीखते हैं ना, तो वही चीज़ बताया गया कि हर एक कंपाउंड में वो है डुअल कंपाउंड्स। Among all kinds of killers, time is the ultimate because time kills everything. समय चला गया तो समय वापस नहीं आता है, तो समय सबसे बड़ा हमारा जो है ना लाइफ में चैलेंज, उसको उसी के हिसाब से चलना, उसके आगे पीछे चलना। Time is the representative of Krishna because in due course of time there will be a great fire and everything will be annihilated. तो समय के साथ साथ सब कुछ जो है वो खत्म भी हो जाएगा। Among the living entities who are creators, Brahma who has four heads is the chief. जितने भी creators हैं उसमें से ब्रह्मा को chief माना जाता है, therefore he is representative of the supreme lord Krishna. तो कोई भी महान तभी बन सकता है जब उनके अंदर भगवान की कृपा हो। तो जब भी भगवान की कृपा लग जाती है तो हमारी जिंदगी में सब कुछ बेहतरीन हो जाती है। यही तक था श्लोक नंबर 33 और भगवद गीता चैप्टर 10। अगले दिन हम श्लोक 34 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण राधे राधे जय श्री राम।